टेलर स्विफ्ट 13 दिसंबर 1979 को पैदा हुई और 19 साल में अमेरिका की टॉप पॉप सिंगर बन गई और एमटीवी सिंगिंग के लिए एक दिन उनको अवार्ड, बेस्ट वीडियो अवार्ड मिलने वाला था और इतनी देर में एक सीनियर सिंगर कायन वेस्ट ने माइक ले लिया और बोला कि नहीं, टेलर स्विफ्ट का बेस्ट वीडियो अवार्ड नहीं बनता, इनको अवार्ड नहीं दिया जाएगा। और पब्लिक ह्यूमिलेशन हुई और वो बहुत हैरान हो गई कि ये क्या हुआ और डिप्रेस भी हो गई और कुछ समय के लिए उसने गाना बंद कर दिया। मगर बाकी जितने भी सीनियर आर्टिस्ट थे सब ने क्रिटिसाइज किया काने वेस्ट को कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था पब्लिकली, और वो भी माइक लेके एक यंग बच्चे को एनकरेज करना चाहिए था। और टेलर स्विफ्ट ने अपनी हिम्मत बटोरी और उसने सोचा कि काने वेस्ट कौन होते हैं मुझे वैलिडेशन देने वाले, मैं अपने आप पे मेहनत करूंगा। और उसने गाने पे मेहनत करी, लिखने पे मेहनत करी और उसने परफॉर्म करना शुरू किया और अमेरिकन पॉप सिंगिंग में फिर वही लेवल बनाती चली गई। और आज ये आलम है कि अमेरिका के सिंगर्स में, म्यूजिशियंस में उसका फर्स्ट टॉप 10 में नाम आता है और बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती है। उसके बारे में, टेलर स्विफ्ट के बारे में ये कहा जाता है कि जहाँ पे भी वो परफॉर्म करती हैं तो वहाँ की इकॉनमी चेंज हो जाती है। अभी रिसेंटली सिंगापुर में जब टूरिज्म कम हो रहा था तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने टेलर स्विफ्ट को बुलाया परफॉर्म करने के लिए और शो बहुत अच्छा रहा और बहुत फेमस हुआ। और मगर जो उनके पड़ोसी देश थे सिंगापुर के, उन्होंने क्रिटिसाइज किया सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर को कि आपने अपने कंट्री का तो टूरिज्म बढ़ा लिया पर हमारी को भी राइट्स मिलने चाहिए टेलर स्विफ्ट को बुलाने के। मगर प्राइम मिनिस्टर सिंगापुर ने टेलर स्विफ्ट को जब बुलाया था तो उन्होंने एक्सक्लूसिव राइट्स ले लिए थे कि आप सिर्फ सिंगापुर में ही परफॉर्म करेंगे। सिमिलरली स्पॉटिफाई ने जब आर्टिस्ट को पैसे कम देने शुरू किए तो टेलर स्विफ्ट ने बोला कि मेरा म्यूजिक स्पॉटिफाई पे नहीं चलेगा। थोड़े टाइम के बाद जो स्पॉटिफाई की वैल्यू थी वो कम होती चली गई और उनको टेलर स्विफ्ट पे आना पड़ा और रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि आप ऐसी स्टेटमेंट मत दो जिससे हमारा ही डिबैकल आ जाए। और उसके बाद स्पॉटिफाई पे टेलर स्विफ्ट के गाने बजने शुरू हुए और फिर स्पॉटिफाई और आगे चलता रहा। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? मोरल ऑफ द स्टोरी इज हमें किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए। अगर पब्लिक ह्यूमिलेशन हुई और उनको महसूस हुआ कि मुझे तो आई एम व्हाट आई एम, मुझे तो अपने आप पर मेहनत करनी है, अपने गाने पे मेहनत करनी है, अपने सॉन्ग राइटिंग पे मेहनत करनी है, और उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि वो रिचेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट सिंगिंग आर्टिस्ट ऑफ अमेरिकन पॉप सिंगिंग बन गई। तो हम सबको ये सोचना है कि हमें वैलिडेशन नहीं चाहिए, हमें तो अपने आप को बेस्ट पॉसिबल वर्जन देनी है। थैंक यू वेरी मच। आज मैं फिर दोबारा से आपको सबको यही कहूँगा, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।